हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो ब्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का ब्लॉग क्या है आप लोग को मेरे यूट्यूब के थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का ब्लॉग क्या है। जी हाँ, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं एक पार्क विजिट किया हूँ, एक पार्क को लेकर ब्लॉग बनाया हूँ। जो पार्क में हम तीनों घूमने गए थे, मैं, मेरा जीप और उनका भाई, तीनों मिलकर पार्क में गए थे घूमने के लिए। तो इतना अच्छा हमको लगा वो पार्क, बहुत ब्यूटीफुल था। वहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिला। आप लोग बच्चे को लेकर जा सकते हो, फैमिली को लेकर जा सकते हो, सब मिल के आप लोग एक साथ जाओ। बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत अच्छा प्लेस है। जिन लोग नीलांजन पार्क अभी तक विजिट नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार जाओ, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, चलो चलते मैं अंदर चलता हूँ। अंदर जाके मैं आप लोग को पूरा सीन दिखाता हूँ। अभी मैं रास्ते में हूँ, मतलब पार्क के कुछ दूरी पर हूँ। अभी हम लोग पार्क में जा रहे हैं एंट्री करने के लिए, तो हम अंदर जाएंगे, अंदर जाके पूरा आप लोग को सीन दिखाएंगे। तो चलो लेट्स गो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैं पार्क में, हम लोग पार्क में एंट्री कर चुका हूँ। इसका एंट्री फीस है 20 रुपया पर हेड, 20 मतलब 20 रुपीज़ देके आपको एंट्री करना पड़ेगा। यहाँ 20 रुपया चार्ज लगता है। तो हम लोग तीनों मिलके 20 तीन है 60, 60 रुपीज़ हम लोग पे करके अंदर एंट्री कर चुका हूँ। अब अंदर की पूरा सीन आप लोग को दिखाऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। वीडियो के साथ बने रहिए, स्किप मत कीजिए। देखिए मेरा जी और उसका भाई दोनों फोटो ले रहा है। देखिए सबसे बड़ी हमको लगा झूला। अब अंदर हम लोग अंदर जाके पहले ही पड़ता है झूला वहाँ। सो फ्रेंड्स, हम लोग झूले में बैठ के बहुत झूले झूले। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग देखिए दोनों भाई बहन क्या कर रही है। देखिए बहुत बहुत मतलब बचपन याद दिला दिया है यार, बहुत बचपन। पहले बहुत छोटा मैं सब पार्क में जाते थे, मैं छोटा सा कलकत्ता में, कलकत्ता के बाहर रहता था, ठीक है। तो सब पार्क बहुत घूमे हूँ ऐसे इस तरह के तरह, बट कलकत्ता में पहली बार मैं ऐसे पार्क विजिट करो जहाँ पे मुझे अपने बचपन याद दिला दिया। सो अपने सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार फैमिली के साथ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए एक सबसे ब्यूटी प्लेस एरिया हमको ये चीज़ लगा यहाँ का। देखिए जो सीन है सबसे अच्छा लगा, आप थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप गौर से थोड़ा देखिएगा, यहाँ बहुत मज़ेदार चीज़ है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको ये है, जैसे अल्फ़ाबेट मिलेगा आपको, ए से जेड तक आपको पूरा अल्फ़ाबेट मिलेगा। 26 अल्फ़ाबेट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो जहाँ जिसके पास आप खड़ा, अगर कभी आप विजिट करते हैं तो वहाँ पे आप, जैसे आपका नाम ए है, बी है, आपका नाम बी है, सपोज आपका नाम बी है, बी के पास खड़ा होकर अपना अपना सेल्फी ले सकते हो, फोटो ले सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ए से लेके पूरा जेड तक जो अल्फ़ाबेट है, मैं आपको पूरा दिखाऊँगा। ये देखिए दोनों मिल के फ़ोटो ले रहे हैं सेल्फी है। मैं थोड़ा ब्लॉग के चक्कर में उनके साथ में थोड़ा फ़ोटो बहुत कम खींचाऊँ, मैं ब्लॉग बना रहा था। ये देखिए मेरा जेब के नाम एस से स्टार्ट होता है, तो वो एस के पास खड़ा हो गया, ओके भाई को बोला फ़ोटो खींचने के लिए, तो उसका भाई उसका सेल्फी से फ़ोटो खींच रहा है, ठीक है। तो मैं आपको मैं पूरा दिखाऊँगा ये ए से जेड तक पूरा अल्फ़ाबेट दिखाऊँगा। वीडियो के साथ बने रहिए, और भी अंदर क्या क्या चीज़ है मैं आपको पूरा सीन दिखाऊँगा। तो देखिए पहले हम लोग जहाँ खाए तो वहाँ एस था, इसलिए मैं आपको एस दिखाया। अपने इस देखिए ए ऐसे ए, अभी देखिए मैं दिखाऊंगा जेड, ये देखिए जेड जेड जेड, ये देखिए बी क्यू डी टी वाई, ये देखिए ये वाई है शायद, ये है ओ, ये वाई है, वाई है, ये वाई वाई है, एन एन है, ये पी, आगे है सी, ये क्या है सी, ये है के, ये है डब्लू, डब्लू है डब्लू। वो यार वो पिक्चर याद दिला दिया यार, बॉम्बे टू गोवा, बॉम्बे टू गोवा आप लोग को याद होगा ना पिक्चर, आप लोग देखा, बहुत कॉमेडी है, जो डब्लू के नीचे ढूंढने जाता अपना पैसा। ये देखिए यू यू, ये लास्ट में देखिए मैं आपको जेड दिखा दे रहा हूँ, वो देखिए जेड। सो दोस्तों प्लीज़ यहाँ पे विजिट कीजिए, बहुत अच्छा, जिन लोग का घर आसपास में उन लोग को पता होगा, आप लोग कमेंट करके जिन लोग इस पार्क में विजिट के प्लस कमेंट करके बताइएगा, ताकि और भी जो ऑडियंस है, हमने जो देख रहे हैं यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा अच्छा लगे, मतलब उनको थोड़ा ये मिला, कॉन्फिडेंस और मिले कि
हाँ सच में ये मैंने वीडियो जो देख रहा हूँ वो वीडियो बहुत अच्छा है। तो आसपास में जो रहते हैं या जो इस पार्क में विजिट किया, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बोटिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे बोटिंग होता है, ये जो पानी आप बोटिंग कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे बोटिंग है, बोटिंग है, 50 रुपीज़ करके लेता है बोटिंग का। तो आप बोटिंग, हम लोग लास्ट में बोटिंग किया हूँ, आपको मैं दिखाऊँगा लास्ट में बोटिंग है, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आगे दिखाएंगे आप लोग को क्या क्या इसमें है, मैं और भी अच्छी ब्यूटीफुल प्लेस मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो हम लोग अभी आगे बढ़ रहे, देखिए फुचका आ गया, फुचका पानी पूरी, मतलब जी लड़की लोग को बहुत ये मैंने फेवरेट है फुचका। सो जीएफ पानी, मैं ज़्यादा फुचका नहीं खाता हूँ, पानी पूरी नहीं ज़्यादा खाता हूँ, तो मेरा जीएफ खा रही है। तो पानी पूरी खाने के बाद फिर आगे जाएंगे, आगे का ये दिखाएंगे आप लोग का, आगे का सीन दिखाएंगे। ये देखिए आप लोग को गेस कीजिए कौन सा, ये बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है, आप उसका नाम बताना है आप लोग कमेंट करके, मैं नहीं बताऊंगा, जिसको पता है उनको नाम, सबको तो पता ही है 99%, फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलो आगे चलते, आगे जाके और भी सीन दिखाएंगे, और भी ब्यूटीफुल प्लेस। हम लोग आगे जा रहे हैं, अभी आगे बहुत कुछ है देखने की चीज़, आप देखते रहिए। बहुत सारा सीन मैंने अनकट कर दिया, ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए ज़्यादा बड़ा होगा तो अच्छा नहीं है ना, तो हमेशा शॉर्ट चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा लॉन्ग अच्छा नहीं लगता। आजकल टाइम में सबको इतना टाइम नहीं है, फिर भी मैं नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाऊँगा तो मैं पूरा एक बड़ा वीडियो बनाने वाला। अच्छा ये देखिए, ये जो वीडियो स्क्रिप्ट जो है छोटा हो गया, क्योंकि छोटा इसलिए हुआ मैं आपको बता दूँगा, क्योंकि अब मैं जिस प्लेस में से जा रहा हूँ ये प्राइवेट प्लेस है, जिन लोग कपल जाना चाहते हैं आप लोग जा सकते हो, कपल प्लेस है ये, आप अपना प्राइवेट से ये प्राइवेट यहाँ पे आप जाके स्पेंड कर सकते हो, ये प्राइवेट प्लेस है। इसलिए मैंने ऐसे हाथ में उसको कैमरा शूट नहीं किया, मैं फ़ोन को कैमरा ऑन करके अपना जेब में रख के वहाँ से गुजर रहा हूँ, ताकि उन लोगों को पता ना लगे, जो लोग प्राइवेट कपल बैठे हैं उन लोगों को पता ना, उन लोगों को ख़राब लगता है ना, तो इसलिए हमने इसको हाइड करके कैमरा को ले गया, ताकि ये पूरा प्राइवेट प्लेस है, आप कपल जाके यहाँ पे आप, ये कपल प्लेस है, पूरा कपल प्लेस है ये साइड में, बट फैमिली आप आँख बंद कर जा सकते हैं, बट ध्यान रखिए इस साइड में आप मत जाइए, ठीक है। ये एकदम आप एंट्री करते हैं, एंट्री के लास्ट के तरफ ये पड़ता है, ठीक है। तो आप जब लास्ट में आएंगे ना, घूमते घूमते लास्ट में आएंगे, तो उस तरफ मत जाइएगा, ये कपल प्लेस है, आप कपल जा सकते हैं यहाँ पे, मतलब कपल जाके वहाँ पे बैठ सकते हैं, जो फैमिली बच्चे यहाँ पे मत लेके जाइए। तो देखिए सबसे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना देखिए कितना ब्यूटीफुल है, ये देखो हाथी लग रहा है कितना मस्त। हमको तो बहुत अच्छा लगा ये पार्क, ठीक है, क्योंकि अपना बचपन याद दिला दिया, मैं छोटा सा बाहर रहता था तो वहाँ पे बहुत पार्क में जाता था, कलकत्ता में रिसेंटली 8-9 साल हुआ आया हूँ, लेकिन ऐसा प्लेस हमको मिला नहीं, बहुत कम मिला, एक दो जगह गया था, ठीक है, बट अच्छा अच्छा प्लेस है कलकत्ता में, बहुत अच्छा घूमे, बट ये मतलब बहुत हमको ऑसम लगा। ये देखिए आप देखिए गाय अपने बच्चे को, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये गाय, पास में देखिए मगरमच्छ, मगरमच्छ कितना अच्छा लग रहा है, सो ब्यूटीफुल प्लेस। मैं इसलिए ब्लॉग बनाया हूँ, ठीक है, ताकि मैंने मेरा जी बोला था, तो बहुत अच्छा जगह है, मतलब ठीक है चलते, मैं तो यूट्यूब चैनल नया नया ओपन किया हूँ, अच्छा होगा तो वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा, इसलिए मैं वीडियो बनाया, सच में हमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के और भी दिखाएंगे, और ज़्यादा बस 1 मिनट का टाइम रह गया, 1 मिनट में वीडियो एंड हो जाएगा। बहुत सारा सीन मैंने अनकट कर दिया हूँ, ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला इसलिए अनकट कर दिया हूँ, ठीक है। दोस्तों ये पार्क जो है हावड़ा डोमजुर में है, ठीक है।
ठीक है, वेस्ट बंगाल हावड़ा डोमजूर में है, नीलांजन पार्क का नाम है, आप यहाँ पे जाके विजिट कीजिए। सो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग पूरा पार्क घूमने के बाद लास्ट में हम लोग बोटिंग किया, बोटिंग करके बहुत अच्छा लगा, बोटिंग करने के बाद हम लोग सीधा अपने घर चला गया। तो दोस्तों फिर अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ठीक है, ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो बना सकता हूँ और भी अच्छा अच्छा ब्लॉग बना सकता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।